सूरत शहर में एक ही दिन में डबल मर्डर की घटना बनने से सारे शहर में भारी खलबली मच गई है। आपको बता दें कि गत रोज सूरत के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पैसों की लेती देती के मामले में एक युवक की बेरहमी पूर्वक हत्या कर दी गई थी। उस साजिश पर से अभी पर्दा उठ नहीं पाया था कि सूरत के कतारगाम उदयनगर 2 में शुक्रवार को अनैतिक संबंध की आशंका के चलते एक टेलर की उसकी दुकान में घुसकर चाकू से वार कर हत्या कर दी गई। टेलर की हत्या करने के बाद आरोपी पुलिस में जाकर हाजिर होने से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। कतारगाम पुलिस के अनुसार कतारगाम उदयनगर निवासी बलवंत डाहिया मकवाना उम्र 30 वर्ष घर के नीचे मकवाना टेलर्स के नाम से दुकान चलाता था। बलवंत शुक्रवार दोपहर 4 बजे दुकान पर था, तभी उसके गांव भावनगर का चेतन नाथुर यादव अंबिका नगर सोसाइटी करने निवासी चाकू लेकर आया और बलवंत पर 11 वार कर दिए, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर PI धासुरा साहिब सहित अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए और बलवंत मकवाना की लाश को PM के लिए मेयर अस्पताल भेजा गया, और जहां चेतन यादव की आशंका थी कि बलवंत का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध है, जिसके चलते यह हत्या हुई है। कैमरामैन अशफाक कुरैशी के साथ परवीन पठान, समाचार इंडिया न्यूज़ सूरत।